लगातार हो रही चेकिंग से सभी लोग सचेत हैं, पर यातायात पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ चेकिंग में मशगूल है। इसी कड़ी में हनुमान मूर्ति पर यातायात पुलिस ने सघन यातायात वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें डेढ़ दुपहिया वाहन व चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें तमाम लोगों के चालान काटे गए। पुलिस का कहना है कि दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है, साथ ही आरसी और बीमे के कागज रखने जरूरी है। इसी क्रम में कार चलाने वालों को सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। जिन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया उन्हें ही दंडित किया गया। सर, आज जो चेकिंग अभियान चलाया गया, इसमें कितने अब तक आपने चालान? अभी तो जारी है प्रक्रिया, चालान चार टीमें पूरे जिले में कर रही हैं। यहाँ भी पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से चालान किए जा रहे हैं, तो शाम तक हमारे पास कंपाइल हो जाएगी पूरे जिले भर में आज कितने चालान हुए, उसके बाद हम बताने में सक्षम होंगे कि कितने चालान हुए। सर, क्या उद्देश्य क्या रहता है चेकिंग देने का? उद्देश्य आज देखिए, अभी तक तो हम लोग चालान करते थे सिर्फ दुश्मन के लिए, लेकिन अब सरकार की मंशा ये है कि हम लोग चालान करें, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करें ताकि वो सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की संख्या, मरने वालों की संख्या, घायलों की संख्या को कम करें। सर, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि सीट बेल्ट का उपयोग करें, हेलमेट का उपयोग करें, आपका जीवन बहुमूल्य है अपने परिवार के लिए, देश के लिए। चल रहा है जागरूक अभियान, चल रहा है क्या अभियान चला गया आपके थ्रू? पुलिस और अभियान चलाया गया है, इसमें बेसिक तौर पे जागरूकता लोगों में लानी है कि वो लोग हेलमेट पहन के चले और सीट बेल्ट लगा के चले, ये जीवन की सुरक्षा के लिए है और ये चालान कम और जागरूकता ज्यादा लोगों में फैलाई है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे यातायात के नियम टूटते हैं? लोगों से यही है कि अपने जीवन की रक्षा के लिए ये जो जरूरी चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट ने और शासन ने दी हैं, इनका आप इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का।